हाँ जी टॉपिक तो पहला एक क्वेश्चन करा गया अपन नवे टॉपिक तो पहला लिखो सरफेस आ एक रफ सरफेस आ केड़ा सरफेस आ रफ रफ सरफेस ते एक बॉडी ते मैं फोर्स लगाया इधर वालों ठीक है फोर्स लगाया मैं इधर वालों फोर्स लगाया मैं 8 न्यूटन कितना फोर्स लगाया 8 न्यूटन बॉडी दा मास है जिहड़ा मास है गया बॉडी है गया 10 किलोग्राम दी ऐ करो कट करो ये बॉडी है गया 2 किलोग्राम दी कितने किलोग्राम दी है 2 किलोग्राम दी ठीक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का म्यू एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वो दिता अपन 0.5 चलो 0.5 करो ओके कहिंदा जी कैलकुलेट द फ्रिक्शन कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन जिहड़ा इन्हां दोनों सरफेसिस दे विचकार स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होया कहिंदा उहदी वैल्यू दस्सो कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन जे बंदा बोल दे कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स तां वी तुसीं इही करना जे बंदा कह दे स्टैटिक जिहड़ा हैगा फ्रिक्शनल फोर्स पता करो तां वी तुसीं इही करना क्वेश्चन बड़ा सिंपल जिहा और एक मिनट च हो जूगा पर एक टैक्नीक लगूगी इह च ध्यान नाल सुन लिओ मैं तुहानूं एक गल दसी शायद याद होगी तुहाडे कि एफ इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आर नॉर्मल रिएक्शन और एफ इज इक्वल टू म्यू आर पर लगता कदों कदों आ लगता सिर्फ दो थावां ते आ या तो लगता लिमिटिंग स्टैटिक च ते या लगता काइनेटिक च या लगता लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू च ते या लगता काइनेटिक फ्रिक्शन च इस तो अलावा आ वाला फंडा जिहड़ा आ इह कितें भी नहीं लगता मेरी गल फॉलो कर रहे समझ आ रही सारे नूं हां जी तो जिहड़ा फ्रिक्शनल फोर्स आ मेरे कोले जे मैं इहदी वैल्यू फाइंड करनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कैपिटल एफ इहदा मतलब यह भी जे आ वधूगा तो आ भी वधूगा जे आ घटूगा तो आ भी घटूगा पर कदों तक अप टू एफ एल एस तक एफ एल एस तक तो यह वधूगा उस तो बाद की होगा ये मैक्सिमम होके घट जूगा कल वाला फंडा मैं नवा नहीं कुछ कह रहा तो याद रखो जदों तक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आता उदों तक उस वैल्यू तक अपलाइड फ्रिक्शन जिहड़ा अपलाइड फोर्स आ ते फ्रिक्शन आ ये दोनों बराबर होणगे कम की गल आ ये सुनो ध्यान दे नाल इदां दे सवाल च सब तो पहला कम तुसीं एफ एल एस फाइंड करो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन किन्ना उहदी वैल्यू आ म्यू एस इन टू आर ठीक है सब तो पहला काम की करना इदां दे क्वेश्चन च तुसीं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन पता करना लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन किदां जिदा नीचे वाल नूं एम जी ओके तो उपर वाल नूं नॉर्मल रिएक्शन आर आर इज इक्वल टू एम जी आपस च बैलेंस और एफ एल एस इज इक्वल टू म्यू एस इन टू आर तो मेरे को लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि इस थान पर जो मैक्सीम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता जे मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करा तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू आर की वैल्यू मेरे को हैगी एम जी एम और जी की वैल्यू यूज करूंगा जी की वैल्यू कहता जी 10 यूज कर लो 2 × 10 डेसीमल उड़ाया 0 × 0 कैंसल मेरे को आ गया 10 न्यूटन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वध तो वध फ्रिक्शन इतने 10 न्यूटन लग सकता सब तो वड्डा फ्रिक्शन जिहड़ा इतने लगेगा वह कितना लगेगा 10 न्यूटन कहानी समझ आ गई पर की अपलाइड फोर्स 10 न्यूटन लाया है असी
क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स दे नाल वधना, इहदा मतलब यह है भी जे एफ एल एस 10 न्यूटन असी लगाता, यानी कि इत्थे प्रोड्यूस हो सकता मैक्सीमम फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स तो असी हजे उन्हां लाया ही नहीं, जदों ये 10 न्यूटन हो गया फिर तो मैक्सीमम स्टैटिक प्रोड्यूस होगा, हजे कला स्टैटिक है भाई। ठीक है, मैनू यह दसो भी पता लाओ माड़ा जहा भी बॉडी मूव की कि नहीं की। जे आ फ्रिक्शन इस फोर्स तो वड्डा हो गया तो बॉडी मूव नहीं करती, पर जे अपलाइड फोर्स फ्रिक्शन तो वड्डा होया तो बॉडी मूव करूगी। गल पले बने दोबारा, अपलाइड फोर्स का इस फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स तो वड्डे होना बहुत जरूरी है जे असी बॉडी मूव करा, तो मोशन तो आई नहीं। जे मोशन नहीं आई तो फ्रिक्शन का टाइप कि रह गया स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कि इतने ध्यान सुन लियो गल, जी गल मैं लिखन लग गया। एफ एल एस की वैल्यू 10 न्यूटन आई एंड इट इज लैस दैन कैपिटल एफ, ये वैल्यू कैपिटल एफ तो छोटी है, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये वैल्यू कैपिटल एफ तो वड्डी है। कैपिटल एफ तो 8 न्यूटन लाया मैं, ये 10 न्यूटन, एदा मतलब बॉडी विल नॉट मूव, देयरफोर बॉडी विल नॉट मूव। तो जे बॉडी मूव नहीं करूगी तो यह मतलब है भी फ्रिक्शन स्टैटिक ही होगा, तो देयरफोर स्टैटिक फ्रिक्शन। हम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, बच्चे नॉर्मली यही जवाब दे जाते जी स्टैटिक फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। नो, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन नहीं गा, यह तो मैक्सीम स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो कैपिटल एफ के बराबर होंगे, जिन्ना आ लगे उन्ना ही आ होगा, पर कदों तक, जदों तक कि अपलाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन तो इस मैक्सीम स्टैटिक तो वड्डा नहीं हो जाता, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू साड़ी जी आऊगी वह आऊगी कि एफ एस इज इक्वल टू कैपिटल एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन। आंसर मूह जबानी आंसर आता, ठीक है आंसर आ गया बेटा, कि पता भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्यों भाई 8 न्यूटन। जिन्हू नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मेरे कहने का मीनिंग दोबारा समझो मैं की बोल रहा, मैं वो ये बोल रहा भी जदों तक अपलाइड फोर्स मैक्सीम स्टैटिक तो वड्डा ना हो जाए, जे अपलाइड फोर्स ए तो वड्डा हो गया, प्रैक्टिकल दिमाग लाओ समझो इन गल, इन्हू ना समझो भी हाँ किताबों के सर बोली जाते हैं ना, तुम कोई बॉडी रख के धक्का मारो आप जोर लाओ, जदों तक तुहाडा फोर्स मैक्सीम स्टैटिक तो वड्डा नहीं हुंदा लिमिटिंग स्टैटिक तो उन्ना चिर बॉडी मूव नहीं करती, गल आपां नूं पता है। तो कहानी बॉडी तो मूव होने तो पहला दी है, हुण लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन ही 10 न्यूटन इत्थे लगता, इहदा मतलब अपलाइड फोर्स जदों तक मैं 10 न्यूटन नहीं लाउंदा उदों तक बॉडी मूव नहीं करती, तो बेचारा अपलाइड फोर्स साडा 10 न्यूटन लगे ही नहीं, किन्ना लग्या 8 न्यूटन, किन्ना लग्या ये 8 न्यूटन। जे 8 न्यूटन का अपलाइड फोर्स लग गया यदा मतलब फ्रिक्शन भी किन्ना उहदे बराबर का 8 न्यूटन, क्योंकि अपलाइड फोर्स दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स होंदा। बेटे जी किसी बच्चे को शक वह बच्चा अपना सवाल कर लवे, बहुत ही सिरा सवाल से, एक सवाल के बड़ा कुछ आ, जे तुम ढंग एक सवाल ही इनू कर लो ना तो काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नवा टॉपिक है साडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और न्यू टॉपिक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कहता, ध्यान नाल सुन लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कहता, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन होंगे, एक एंगल ऑफ रीपोज होंगे, दो एंगल होंगे, ठीक है, एक तो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा है एंगल ऑफ रीपोज। तो पहला आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन की गल करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बोलता सानू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलता
ध्यान नाल सुन लियो, पहले गल समझ लियो, फिर आप स्टेटमेंट भी दे देंगे। देखो मेरे को एक बॉडी आ, ठीक है, ये जी बॉडी आ, इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड है एम जी, देखो हरेक की बॉडी का होना, तो नॉर्मल रिएक्शन आर, यह स्पैसीफिक केस है जिसे आर एम जी के बराबर है, हमेशा आर एम जी के बराबर नहीं होंगे, हमेशा इतने ला दें नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जी वेट के बराबर नहीं होंगी, ये सिर्फ होरिजोंटल केसा च ही है, जो केस टेढ़े हो गए इदा इदा उपर नू जाना उदो रिएक्शन वेट के बराबर नहीं रहनी, इस गल का खास ख्याल रखियो। इधर वाले मैं अपलाइड फोर्स कैपिटल एफ हमेशा कैपिटल एफ नाल शो करूंगा, तो इस थान पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन च प्रोड्यूस होया, मैं इस जगह पर फ्रिक्शन लगाता, बैकवर्ड डायरेक्शन जो फ्रिक्शन होया वह होया एफ एल, एफ समॉल एफ ही लिख देना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन च प्रोड्यूस होया, फोर्स मैं इधर लगाया तो फ्रिक्शन इधर नू प्रोड्यूस होया, तो सवाल करने वाला की सवाल करता, वह कहता भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा हुंदा ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वह की हुंदा, भी इत्थे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पहला जदों तुसी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, जदों तुसी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ओके, तो बेटा उस पैरेललोग्राम दा जिहड़ा रिजल्टेंट होगा वो तुहाडा इधर वल नूं आऊगा, आ रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम, मैं इहदा नाम रखदा रिजल्टेंट, ये की आ रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट आ, तो पैरेललोग्राम दे विच किहदा पैरेललोग्राम, यानी कि दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन ते नॉर्मल रिएक्शन का जिहड़ा रिजल्टेंट आ वह नॉर्मल रिएक्शन दे नाल जिहड़ा एंगल बनाउंदा इत्थे थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पता लग गया कि नहीं, जदों आपां बॉडी ते फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कीती या नहीं भी मूव कीती, फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हो गया ना, आ जिहड़ा फ्रिक्शन ते जिहड़ी नॉर्मल रिएक्शन आर आ इन्हां दोनों का रिजल्टेंट एंग जिहड़ा हैगा ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਇਟ ਸਟੇਟ ਲਿਖਿਓ ਲਿਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਏ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ It is the angle made by resultant of friction and normal reaction. Friction F पा दे। Friction F and normal reaction capital R with the direction of normal reaction. With the direction of normal reaction, capital R. Normal reaction दी जिहड़ी direction आ उस direction दे नाल resultant जिहड़ा angle बनाउंदा that is called as angle of friction. Arrow ला के लिख दिना it is denoted by theta. तुहाडा जी करदा तुसी इहनूं alpha नाल denote कर दो कोई चक्कर नहीं मैं theta नाल denote कीता it is denoted by theta. हुण मैं theta दा इत्थे coefficient of friction आ दोनों surfaces दा mu दोनों सरफेसिस दे विचकार एक कोफिशियंट हुंदा कोफिशियंट नूं मैं लिखदा म्यू जिहड़ा सरफेसिस दी नेचर ते डिपेंड करदा मटीरियल ते डिपेंड करदा जे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होवे तो मैं म्यू दा थीटा नाल रिलेशन फाइंड करना होवे तो मैं किवें फाइंड करूंगा बड़ा सौखा है देखो जे आ फ्रिक्शन आ इधर वल नूं इन्ना फोर्स एफ आ तो मैनूं दसो भी आ भी एफ हो कि नहीं हो मैं सही लिखा गलत लिखा वैक्टर पढ़े हुए तुसीं सारिआं ने मैं इत्थे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहा मेरा प्लैन यह भी मैं थीटा का म्यू नाल रिलेशन फाइंड करा रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन से किदा डिपेंड करता या कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन से किदा डिपेंड करता आप चीज़ पढ़नी है वो वास्ते मैं की किया बेटा वो वास्ते मैं की किया
फ्रॉम फिगर, फिगर सानू की कहिंदा, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਲਿਖਾਂ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਐਫ ਬਾਈ ਆਰ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਆਰ डिवाइड बाय आर, कि मैं ठीक लिखा, सिंस एफ इज इक्वल टू म्यू आर। इतो एक गल तो क्लीयर हो रही है भी ये फ्रिक्शन स्टैटिक है नहीं, ये फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग स्टैटिक आ और या ये फ्रिक्शन काइनेटिक आ, बिकॉज एफ इज इक्वल टू म्यू आर नू कल्ला स्टैटिक फ्रिक्शन ओबे नहीं करता। क्लीयर है गल कि नहीं क्लीयर, तो या तो यह लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन आ और या ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ ਨਾਲ ਆਰ ਕੈਂਸਲ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਜਾਂ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ ਸੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। समझ आ गई सारे नू? हाँ जी, किसी बच्चे कोई शक? कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करा, चलो कंटिन्यू करिए। इस तो बाद नवा टॉपिक आ साडा एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लीयर हो गया ना, हुण आपां पढ़ांगे एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज बड़ा इंटरेस्टिंग आ, एंगल ऑफ रीपोज देखो ध्यान दे। एंगल ऑफ रीपोज की कहता, नवा टॉपिक है साडा एंगल ऑफ रीपोज। आज फ्राइडे है ना? यस सर। एंगल ऑफ रीपोज, एंगल ऑफ रीपोज तो की कहता, सुने ध्यान देना बेटे। एंगल ऑफ रीपोज है जरा एक्चुअली कि एंगल आते, मैं एक छोटा जि एग्जाम्पल लाऊंगा तो ज्यादा समझ आऊगा। मेरे को एक सरफेस आ बेटा, आ मेरे को एक सरफेस आ, मैं इस सरफेस से एक बॉडी रखती। समझ आ रही गल कि नहीं यार? ओके ओके, मैं की कीता, मैं उपर वाले सरफेस में इदा मूव इदा चकना शुरू करता। मैं दसो बॉडी मूव की हजे तक, इस बॉडी उपर वाली बॉडी नू कोई फर्क पिया? नहीं सर, हजे तो ठीक। हजे तक इनू कोई फर्क नहीं पिया, हजे तक इनू कोई फर्क नहीं पिया, हजे तक इनू कोई फर्क नहीं पिया। जिथे बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर दे, समझ आ रही गल? मैं एंगल वड्डा कर रहा, एक थां इदां दा आऊगा जिथे बॉडी मूव करना जस्ट स्टार्ट करूगी, हजे तक नहीं मूव कीते। देखो तुसीं जस्ट मूव करके है ना, जदों जस्ट मूव कर गई उस कंडीशन च इन्हां दोनों सरफेसिस दे विचकार, इत्थे जिथे मेरा हाथ हिलदा इस जगह ते जिहड़ा एंगल बनदा, इस एंगल दा नाम है एंगल ऑफ रीपोज। की नाम है इहदा? एंगल ऑफ रीपोज। समझ आ गई गल कि नहीं आई? यस सर। एंगल ऑफ रीपोज क्लीयर है? एंगल ऑफ रीपोज केड़ा एंगल आ बेटा? ये वो एंगल आ जिहड़ा इनकलाइंड प्लेन होरिजोंटल नाल बनाउंदा, जदों इनकलाइंड प्लेन ते पई हुई बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देवे, जस्ट बिगिन टू मूव। ओके, लिख दो ये गल, लिख दो, इट इज द एंगल मेड बाय, एदा मतलब एक गल तां क्लीयर होगी भी, जे जस्ट बिगिन टू मूव होया एदा मतलब इत्थे भी फ्रिक्शन दा जिहड़ी नेचर आऊगी वह स्टैटिक नहीं आउंदी, या वह लिमिटिंग स्टैटिक आऊगी ते या वह काइनेटिक आऊगी। इत्थे लिमिटिंग स्टैटिक आऊगी, क्लीयर? ख्याल रखियो इस गल दा। It is the angle made by, it is the angle made by an inclined plane with horizontal, it is the angle made by an inclined plane with horizontal
when a body placed over the inclined plane, when a body placed over the inclined plane just begin to move. जो बॉडी मूव करना जस्ट स्टार्ट कर दूंगी, जस्ट बिगिन टू मूव, जो बॉडी मूव करना जस्ट स्टार्ट कर दूंगी तो मैं बोलूंगा भी जो एंगल बनूंगा कि विचकार इनकलाइंड प्लेन का होरिजोंटल नाल, जदों इनकलाइंड प्लेन ते पई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दूंगी तो मैं बोलूंगा भी ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज आ। देखो डायग्राम ड्रॉ करिए, आप डायग्राम ड्रॉ करांगे। आ मेरे को एक इनकलाइंड प्लेन, ऐदा का कुछ बना के दिता ही तुहानू मैं, क्यों भाई ऐदा दे बनाया सी ना? हाँ जी सर। इस इनकलाइंड प्लेन ते एक बॉडी पई आ, हुण ये बॉडी टेढ़ी आ रही है। इस बॉडी का जिहड़ा वेट आ, ये याद रखियो भी वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा एम जी। दोनों बॉडीज दोनों इनकलाइंड प्लेन के विचकार दा इत्थे एंगल आ, इस एंगल नूं मैं अल्फा नाल रिप्रजेंट करूंगा। ये अल्फा उदों बनूंगा जदों आ बॉडी जिहड़ी है ये जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दू, ते जदों ये मूव करना शुरू करूगी, देखो जिन्ना चिर तां ये मूव नहीं करदी पिछे वल नूं फ्रिक्शन लगदा, समझ आ रही गल, इधर वल नूं फ्रिक्शन लगदा और इधर वल नूं बॉडी दे वेट दा इक कंपोनेंट आऊगा। हुण तुसीं कहणा जी ये की, ध्यान नाल सुण लिओ, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस दे परपेंडिकुलर हुंदी आ आर, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस तो 90 डिग्री एंगल बनाउंदी आ। वेट दे दो कंपोनेंट आउणगे इस वेट दे, जे आ एंगल अल्फा तां आ एंगल 90 माइनस अल्फा, आ 90 आ 90 माइनस अल्फा, टोटल एंगल 90, जे आ अल्फा ते जे आ 90 माइनस अल्फा ते आ बन गया तुहाडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल बन गया तुहाडा अल्फा, जे एंगल अल्फा बन गया तुहाडा, जे एंगल अल्फा बन गया तो वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एम जी का एंगल वाले पासे कंपोनेंट बने एम जी कॉस अल्फा, एम जी का इधर वालू कंपोनेंट बने एम जी साइन अल्फा। जिन्हू समझ नहीं आया पुछ लो, जिन्हू समझ नहीं आया वह पुछ लो। सर एंगल तो दोबारा दस दो, सुनो गल, मैं एंगल थोड़े वे करते बेटा, मैं गल कह रहा भी इन बोलते एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है अल्फा, समझ आ रही है। जदों ये एंगल बनता तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देंदी है, तो जो फ्रिक्शन है वो मैक्सीम वैल्यू लगेगी, यदा मतलब इतने एफ एल एस बोलते आप, लिख सकते एफ एल एस, कोई बड़ी गल नहीं, ठीक है, इतने लिख सकते भी ये एफ एल एस, क्योंकि बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करी, जदों बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करी तो इतने एफ एल एस लग्या। जे आ एंगल अल्फा, मैं दसो आ एंगल कि, जल्दी बोलो, 90 माइनस अल्फा था 90, तो तिना का सम 180 होंगे ना ट्रायंगल च, आ गया 90 माइनस अल्फा। हम जे आ 90 माइनस अल्फा तो मैं दसो आ कि, ये पैरेलल लाइन आ, जे आ 90 माइनस अल्फा तो आ भी 90 माइनस अल्फा। अच्छा सारा टोटल आ 90, इथों लैके इथों तक 90 चो 90 माइनस अल्फा माइनस करता तो 90 माइनस 90 प्लस अल्फा बन गया, 90 नाल 90 कैंसल की रह गया, अल्फा रह गया, फिर हो गया, समझ आ गया। हाँ जी। तो हुण कंपोनेंट लै ले मैं वेट दे, वेट का एक कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा, दूजा कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा। मेरे दिमाग च इको ही गल चल रही है कि मैं अजकी बार कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इतने भी होगा म्यू, मैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का एजकर एंगल ऑफ रिपोज के नाल रिलेशन फाइंड करना। पिछली बार पिछले टॉपिक दे विच मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाल इहदा रिलेशन फाइंड किया सी, तो मैं की करूंगा, मैं डायग्राम च ही रहूंगा, कोई बड़ा दूर नहीं जाता। मैनू एक गल इतों क्लीयर हो रही है कि एफ एल एस एम जी साइन अल्फा के बराबर आ। हुण तुसीं कहणा जी किवें, देखो जदों तुसीं फोर्स अपलाई करदे किसी बॉडी ते मूव कराउण वास्ते, फोर्स आपां अपलाई नहीं करिया, अपना वेट का कंपोनेंट आपे ही मूव कराई जांदा उहनूं, इस वेट का कंपोनेंट
कि अल्फा वड्डा हो रहा है साइन अल्फा वड्डा हो रहा है जिदे करके फोर्स वड्डा होई जांदा। जो फोर्स अप्लाई किया जिन्ना चिर बॉडी मूव नहीं करती फ्रिक्शन फोर्स तो छोटा होगा, मतलब फ्रिक्शन फ्रिक्शन जिहड़ा आ उह जिन्ना चिर छोटा आ उन्ना चिर बॉडी मूव नहीं करती। जदों फ्रिक्शनल फोर्स दे बराबर करता फोर्स असीं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दे एफ एल एस दे बराबर करता, इधर एफ एल एस आ दोनों बराबर हो गए उदों बॉडी मूव करना शुरू कर दूगी। ये गल पढ़ाती तुहानू मैं, जदों बॉडी मूव करना शुरू कर दूगी तो आह वाला फोर्स ते आह वाला फोर्स बराबर होणगे। जदों मूव करन लग गई तो फिर आह वाला फोर्स वड्डा हो जूगा तो फ्रिक्शन छोटा रह जूगा। समझ आ रही गल? और मूव करदे आ बॉडी दा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हुंदा, वो एफ एल एस नहीं हुंदा। ज्यादा केस तुहानू इत्थे एफ एल एस दा ही आऊगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन दा ही आऊगा। कम दी गल ते आओ तो की बोलांगे, वैन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, जदों बॉडी मूव करना शुरू कीती, वैन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, जदों बॉडी मूव करना शुरू कीती इत्थे तां उदों आ फ्रिक्शन और आ एम जी साइन अल्फा बराबर हो जाणगे। उदों एफ एल एस इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा हो जूगा। गल क्लीयर है कि नहीं क्लीयर? क्यों भाई? उदों एफ एल एस एम जी साइन अल्फा हो जूगा। नंबर दो, नॉर्मल रिएक्शन नू कौन बैलेंस करूगा या नॉर्मल रिएक्शन किनू बैलेंस करूगी? ऐ समझ लो, ये वेट दे इस कंपोनेंट के बराबर है। मैं तुहानू अगे भी बोलिया सी कि जदों मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी कि होरिजोंटल प्लेन ते कोई दिक्कत नहीं, होरिजोंटल प्लेन ते नॉर्मल रिएक्शन वेट नाल बैलेंस हो जाती है, उपर वल नू रिएक्शन आ थले वल नू वेट आ। पर इदां दे केसिस दे विच वेट दे कंपोनेंट नाल बैलेंस हुंदी आ तां हमेशा वेट दे बराबर नहीं हुंदी नॉर्मल रिएक्शन। ऐतक वार वाले केस दे विच एंड नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ी साडे कोले नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर आ दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, वो एम जी कॉस अल्फा दे इक्वल आऊगी। मैनू डिवाइड कर देना, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैनू डिवाइड करूंगा इक्वेशन वन अपॉन टू, इनू वन पा दो इनू टू पा दो। इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू, जो मैं एक डिवाइड बाय दो करता तो मेरे को आ गया एफ एल एस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा, एम जी नाल एम जी तुहाडा कैंसल। अच्छा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू आर हुंदा, म्यू आर अपॉन आर, साइड ते लिख दो सिंस एफ एल एस इज इक्वल टू म्यू आर हुंदा आ, ये गल आपां पढ़ी हुई है, सिंस एफ एल एस इज इक्वल टू म्यू आर हुंदा आ, ये गल आपां पढ़ चुके हैं। जे आपां ये गल पढ़ चुके हैं तो आपां इत्थे रखता फिर म्यू आर, आर नाल आर कैंसल, इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बन गया टैन अल्फा, तो तुहाडा रिलेशन बन गया म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा, आ तुहाडा आंसर। तो पिछले जिहड़ा क्वेश्चन किया सी आपां इस तों पहलां वाला, उस क्वेश्चन दे विच की होया सी, पिछले क्वेश्चन च म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा आया सी, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे टेंजेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे बराबर हुंदा। एजकर सेम रिलेशन आ गया म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा, इहदा मतलब एक गल क्लीयर हुंदी आ भी अल्फा ते थीटा बराबर आ, एंगल ऑफ रिपोज ते एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल। यह गल का खास ख्याल रखना, पेपर च सवाल आउंदा तुहानू प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल, तो तुसीं जे ज्यादा नंबर मान लो 3 मार्क्स दे विच आवे दोनों डेफिनेशन दोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी एंगल ऑफ रिपोज की भी दोनों डेफिनेशन दोगे, दोनों के एंड वाले रिलेशनस नू इक्वल करके आंसर कंपेयर करके आंसर दे दोगे। इत्थे मैं अलग तो कर रहा, इत्थे मैं अलग तो कर रहा, एरो ला के लिखो रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, ये एंगल ऑफ रिपोज आ, एंगल ऑफ रिपोज दे नाल इत्थे अल्फा लिख लो, मैं कितने लिखा नहीं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, एज वी नो जिदा कि असं जानते हैं
क्यों भाई असी जानी जाना ना जिदा कि असी जानते हैं म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा एंड ऑलसो म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा इतने सानू पता होना चाहिए भी थीटा की है अल्फा की है हेयर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज ओके तो मैं थीटा ते अल्फा नू इक्वल कर दा इतों सो बाय कंपेयरिंग इनू वन नंबर पा दो इनू टू नंबर पा दो कंपेयरिंग वन एंड टू कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू साढ़े कोले की आ गया साढ़े कोले आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा साढ़े कोले आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा इहदा मतलब साढ़े कोले आ गया थीटा इज इक्वल टू अल्फा means angle of friction is equal to angle of repose matlab ki hoya da da matlab hoya angle of friction kyun bhai fiza tenu samajh aa reha haan ji sir equal to angle of repose ajj itni kisne bulaya tenu hai nahi nahi angle of friction is equal to angle of रिपोज गल समझ लो गल बड़े काम की थोड़े ओके ये साढ़े को बेसिक फंडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल ऑफ रिपोज का एक नमेरिकल किया अपने इस तो अगे कॉन्टीन्यू करूंगा हूँ गल आई वर्क डन ठीक है कि वर्क किया फ्रिक्शन के वर्क कि होया डिस्कशन करनी आप ने ठीक है ना कि फ्रिक्शन के अंडर कि वर्क होया आ जाओ ये आप कैलकुलेशन करनी है निकिया निकिया देखो तीन केस आ एक होरिजोंटल प्लेन का केस आ वर्क पता करना भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क होया तो मैथड आ कहने का मतलब ये है ठीक है बड़ा सिंपल जहा है मुश्किल नहीं गा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट होंगे तो सारे नहीं पता आ जाओ टॉपिक है साडा नवा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रिक्शन दे अगेंस्ट वर्क पता करना अपने फ्रिक्शन दे अगेंस्ट वर्क पता करना एदा मतलब बॉडी मूव करूगी जे बॉडी मूव करूगी तो फ्रिक्शन केड़ी नेचर दा होगा स्टैटिक या काइनेटिक काइनेटिक बोलो भाई काइनेटिक होगा बड़ा सिंपल जहा फंडा ओके हनी हैगा हनी बोल दे नहीं हां जी सर प्रेजेंट प्रेजेंट हां जी बोल दिया करो बस मेरा पारा हाई हो जाता कई बार पता हाँ भाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एच केस नंबर वन पाओ पहला केस लिखे वैन वैन द बॉडी मूव ओवर द होरिजोंटल प्लेन वैन द बॉडी मूव ओवर होरिजोंटल प्लेन जो एक होरिजोंटल प्लेन से बॉडी मूव कर दी और प्लेन जो रफ आ रफ सरफेस आ जिदे उपर बॉडी मूव करा तो फ्रिक्शन वर्क पूछा सू कि हो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा आ मेरे को एक बॉडी है इस सरफेस से मूव करना इन्हें मूव करके इस डिसप्लेसमेंट करूगी तो वर्क फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट के बराबर होगा पता ही है सानू कोई नवी गल नहीं साढ़े वास्ते ठीक है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट ये गल याद कर लियो वैसे अगले चैप्टर च बहुत डिटेल करनी है आपां ओके सुनो ध्यान दे नाल मैं इहदे ते फोर्स लगाया कैपिटल एफ जो फोर्स कैपिटल एफ लगाया ठीक है यदा वेट हैगा एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन आर उपर वालू लगी पता ही है लगनी है नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर उपर वालू लगी जी नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर उपर वालू लगी बेटा ओके तो फ्रिक्शन भी होगा और फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन से डिपेंड भी करूगा फ्रिक्शन ये किधर प्रोड्यूस होया
फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन च इथे प्रोड्यूस करदा है इथे ही लादा कोई दिक्कत नहीं तुहानू फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन च प्रोड्यूस हो गया एफ और ये फ्रिक्शन की खास जिहड़ी नेचर हैगी एफ के आ ध्यान रखियो एक काइनेटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक नहीं गा किहड़ा फ्रिक्शन है ये क्योंकि बॉडी मूव करूगी मोशन हो रही है बॉडी च मैं लिख दिना इतने मोशन हो रही है इधर वाल मोशन किधर हो रही है परे वाल किसी बच्चे को शक है जी तक जी बेटा पता भी लग रहा है कुछ मैं दे विच कोई एक्सेलरेशन नहीं मनूंगा मैं ये मान के चलूंगा कि मोशन जिहड़ी आ ब्रैकेट च लिख लियो विद कॉन्सटेंट स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो कॉन्सटेंट स्पीड का मतलब यह होंदा भी एक्सेलरेशन जीरो मतलब नैट फोर्स है नहीं नैट फोर्स जीरो इहदा मतलब आ फोर्स ते आ फोर्स आपस च जदों बराबर हो गए अपलाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बॉडी मूव करूगी स्पीड कॉन्सटेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एफ नैट जीरो का मतलब की कैपिटल एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ के समझ आया कि नहीं आया समझ आया कि नहीं आया काम सौखा हो गया एफ के दी वैल्यू होंगी म्यू के आर कैपिटल एफ इज इक्वल टू म्यू के आर आ जाओ जिहड़ा फोर्स असीं अप्लाई करना वह म्यू आर के बराबर होंदा ते म्यू दी वैल्यू म्यू के आ इन्हां दोनों सरफेसिस दे विचकार इस जगह ते जिहड़ा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आ वह हैगा म्यू के तो मैं लिखता म्यू के आर समॉल एफ दी वैल्यू मैं एफ म्यू के आर पुट करती है कैपिटल एफ दे इक्वल आ समझ आ रही गल मान लो कि डिस्प्लेसमेंट एस होगी किन्नी डिस्प्लेसमेंट होगी मान लो कि डिस्प्लेसमेंट होगी एस और बॉडी इत्थे पहुंच गई क्लीयर है डिस्प्लेसमेंट करके बॉडी इत्थे पहुंच गई तो वर्क कितना होया वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस एस डिस्प्लेसमेंट वास्ते वर्क होया W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफ इनटू एस तो बिल्कुल मेरे को वर्क की जी वैल्यू पुत्रों आ गई वह आ गई म्यू के आर इनटू एस एक गल इतों होर क्लीयर हो रही डायग्राम तो भी आर की दे इक्वल आ क्यों भाई एम जी आर की दे इक्वल आ एम जी Since R is equal to mg, डायग्राम तो ही लिख रहा मैं सारा कुछ क्योंकि रिएक्शन नू वेट बैलेंस कर रहा तो म्यू के एम जी इंटू एस ये आंसर औखा कोई दसो ये वर्क डन एवें ना डरी जाए तो पता नहीं की कहानी निके निकिया गल्ला छोटिया छोटिया गल्ला एक छोटे जे कॉन्सटेंट स्पीड तो साडा सवाल तैयार होया और स्पीड इन्हें सारे सवालों कॉन्सटेंट ही रखनी जो मैं लिख रहा हाँ वेलोसिटी कॉन्सटेंट के नाल भावें इनक्लाइंड प्लेन से मूव करवाना वेलोसिटी कॉन्सटेंट रखनी है उपर नू जाना भावें थले नू जाना वेलोसिटी कॉन्सटेंट रखनी है केस नंबर दो पायो लिख लिया सारे ने हाँ जी सर जे लिख लिया तो मैं केस नंबर दो लिखन लग्या इहनू रब कर दां कर दो सर चलो इहनू रब कर लग्या हुण गल की होई हुण गल की होई हुण मैं इनकलाइंड प्लेन ते मूव करवाउणा केस नंबर दो पायो वैन द बॉडी मूव्स ओवर मूव्स अप उपर वल नूं जा रही है ओवर द इनकलाइंड प्लेन एक टेढ़े प्लेन ते एक इनकलाइंड प्लेन ते बॉडी उपर वल नूं जा रही है तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा आ मेरे को हॉरिजोंटल प्लेन आ मेरे को इनकलाइंड प्लेन इनकलाइंड प्लेन ते एक बॉडी रखी वो बॉडी किधर नू जा रही है थोड़ा थले रख देना बॉडी इत्थे रख देना क्योंकि उपर नू मूव भी करवाना इहनू एदा वेट डाउनवर्ड कितना
पक्का ही है मैं जी। आ एंगल मैं थीटा मान लिया, कोई भी एंगल है, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं गा, ये कोई भी एंगल एक्स वाई जेड। नॉर्मल रिएक्शन पता ही है सानू, आर उपर वाल नू, वेट दे दो कंपोनेंट बन गए, ये भी तुहानू समझ आई हुई गल, वेट दे दो कंपोनेंट बन गए। जे आ थीटा ते आ भी एंगल थीटा, अगे बहुत डिटेल च गल करी तुहाडे नाल, एम जी दा इधर नू कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एम जी दा इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन च एम जी साइन थीटा, सब कुछ डायग्राम चा, इन्हू बोलते फ्री बॉडी डायग्राम, सब कुछ डायग्राम चा। तो मोशन किधर नू करवानी आ, मोशन करवानी उपर वाल नू, यानी कि फोर्स लगाना कैपिटल एफ उपर वाल नू, और मोशन इधर वाल नू हो रही आ, मोशन उपर वाल नू हो रही आ, और वेलोसिटी की है इत्थे, स्पीड की आ, क्यों भाई मोशन विद कॉन्सटेंट स्पीड, इधर लिख देना मोशन विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी या कॉन्सटेंट स्पीड। जो स्पीड कॉन्सटेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी बेटा, जीरो सर, जीरो। जो स्पीड कॉन्सटेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो का मतलब जो फोर्स और जो फोर्स है आपस इक्वल हो गए, यानी कि मतलब यह होया भी एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एनू इक्वल करके फिर मूव कराओगे, दोनों बराबर होंगे मोशन दे टाइम, एफ एम जी साइन थीटा दे बराबर होना चाहिए। एक चीज रह गई इतने, फ्रिक्शन भी तो लग रहा, पिछली बार आप फ्रिक्शन लाया सी ना, पिछली बार वेट का कंपोनेंट है नहीं सी, देखो गल सुनो, इतने एक चीज होर लग रही है, इतने वो लग रही है इधर वाल नू एफ के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लग रहा, ये भी ला दो पुत्र इतने, तो अजकल फोर्स इतने एक नहीं लग रहा बैकवर्ड डायरेक्शन, किन्ने फोर्स लग रहे हैं, दो एम जी साइन थीटा दे नाल एफ के एड कर दो, इन्हां दोनों नू बैलेंस करने वास्ते एफ लाई दा, एफ ज्यादा लाना पेगा उपर वाल धक्का मारते टाइम, क्योंकि जिहड़ा स्टैटिक जिहड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन वह एड हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है, तो मेरे को एफ इज इक्वल टू कि आ गया एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और एम जी साइन थीटे नू पिया रहन देना मैं, एफ के दी वैल्यू म्यू के आर, मैं ठीक लिखा, वो मैं ठीक लिखा, वैल्यू इतने पुट कर दो, इनू इक्वेशन नंबर जो पौना तो पा दो, इन बॉक्स च बंद कर दो, आर की वैल्यू आप बाद च पुट कर लाँगे, ठीक है। तो नाउ वर्क डन फॉर डिसप्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एफ इन टू एस, तो फोर्स लग्या एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के आर इन टू एस, दसो की औखा है, औखा कुछ, एक ही गल का ध्यान रखना भी स्पीड कॉन्सटेंट के मोशन हो रही है, एक्सेलेशन जीरो होने का करके आ फोर्स ए बराबर होगा, पर इधर एजकर एक फोर्स नहीं, इधर एजकर दो फोर्स आ, फ्रिक्शन भी है, ठीक है। तो मेरे को वर्क कि आ गया बेटा, मैं सिंस आर इज इक्वल टू कि पुट करता, बोलो भाई आर एम जी के बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो मैं लिखा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा इन टू एस, एम जी कॉमन ले लो, आंसर आ गया थोड़ा, यही आंसर ही है, ये गलत थोड़ी है, ये भी सही है, ये तो गां आपां होर थोड़ा जा एक्सप्लेन कर देंगे भी इन एम जी नू कॉमन ले लो, जो एम जी नू कॉमन ले लिया तो विच रह गया साइन थीटा प्लस एम जी कॉस प्लस म्यू के कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा एम जी कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इन टू एस, ये तुहाडे कोले वर्क डन आ, ये वर्क आ तुहाडे कोले, औखा कोई
तीसरा किस खिच हाँ जल्दी करो तीसरा किस खिच दी कम नबेड़िए परे तीसरे केस दे विच असी इसी बॉडी नूं उपर ले जाण दी बजाय किधर नूं ले जावांगे इस बॉडी नूं उपर नूं मोशन कराउण दी बजाय नीचे वल नूं मोशन करवावांगे एज कर कहानी होर होगी इसे च ही चेंज करने मैं कोई लंबा चौड़ा कम नहीं करना ठीक है आ जाओ केस नंबर तीन पायो केस नंबर तीन पायो जल्दी से शेर बन जाओ लिखो व्हेन द बॉडी मूव्स डाउन थले वाल नू जा रही है मूव्स डाउन ओवर द इनकलाइंड प्लेन जो बॉडी इनकलाइंड प्लेन ते नीचे वाल नू जा रही है उदों दी स्टोरी जो बॉडी इनकलाइंड प्लेन ते थले वाल नू जा रही है लो जी आप चेंज कर देने एजकर फोर्स किधर नू लगूगा एजकर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगूगा देखो मेरी गल सुनो आ पक्कियां चीजां ये कदे नहीं बदलदियां होंदियां आ चीजां कदे नहीं बदलदियां होंदियां ठीक है एम जी साइन थीटा ने एनू ही रहना ओके एम जी कॉस थीटा ने एनू ही रहना नॉर्मल एक्शन ने इधर नू रहना वेट ने इधर नू रहना आ एंगल थीटा ही रहना ये पक्के आ हुण मोशन किधर नू करवाउणी मैं मेरी गल फॉलो कर रहे मोशन हो रही डाउनवर्ड कॉन्सटेंट स्पीड दे नाल मोशन हो रही है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲਾਊਂਗਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਆ ਐਫ ਇਹ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ਕਰ ਐਫ ਕੇ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬਾਹਲਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਲਿਖਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਮਾਰਨੀ ਜਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਐਦਕੀ ਵਾਰ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਐਦਕੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਐਫ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਐਜ਼ਕਰ ਐਫ ਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਐਫ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਫ ਕੇ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਸੀ ਐਜ਼ਕਰ ਐਫ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਫ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਊ ਕੇ ਆਰ ਲਿਖਦਾ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਡਨ ਫੋਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਸ ਆ ਇੱਧਰ ਆਜੂਗਾ ਆ ਇੱਧਰ ਆਜੂਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜਮਾਂ ਕਾਮਨ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮਿਊ ਕੇ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਸ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਰਕ ਤਾਂ ਮਿਊ ਕੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਮ ਜੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਮ ਜੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਐਮ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਊ ਕੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ
ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਮਿਊਕੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਊਕੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਕੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।